कृष्ण नगरी मथुरा से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में विदेश मूल की एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि यूपी पुलिस के दो सिपाहियों ने विदेश मूल की महिला का वीजा अवधि बढ़वाने के बहाने लखनऊ ले जाकर बलात्कार किया। फिलहाल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों में से एक सिपाही जीआरपी में तैनात है जबकि दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। जानकारी के मुताबिक कार्गिस्तान की रहने वाली एक महिला ने 4 साल पहले हाथरस के एक लड़के से शादी की थी। विदेशी मूल महिला को भारत की नागरिकता भी मिल गई थी। जानकारी के मुताबिक नागरिकता मिलने से पहले उसे अपना वीजा बढ़ाए जाने की जरूरत थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात सिपाही धर्मेंद्र से हुई। धर्मेंद्र उसके वीजा की अवधि बढ़वाने के नाम पर उसे लखनऊ ले गया। मैं तुम्हारे वीजे की अवधि दिल्ली से बढ़वा दूंगा और महिला को अपने साथ एक झांसा देकर स्थानीय होटल संजय रॉयल में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि कुछ समय के बाद उसका साथी आकाश तोमर भी होटल में आ गया और फिर दोनों ने महिला को झांसा देकर गलत काम करते रहे जहां उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। इस वीडियो के बल पर आरोप यह है कि वह महिला को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। पिछले दिनों इसी वीडियो के बल पर ब्लैकमेल करते हुए वह महिला को मथुरा के एक होटल में ले गया जहां पर उसने अपने साथी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले आकाश पवार को बुलाया और फिर होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला इन लोगों के चंगुल से छूटकर घर वापस पहुंची तो उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई। विदेशी मूल की महिला ने पुलिस थाने में शिकायत की। ये मामला जब जिले के कप्तान तक पहुंचा तो उन्होंने शुरुआती जांच के बाद दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दे दिया। सीओ सिटी राकेश कुमार ने बताया कि महिला 20 वर्ष पूर्व शादी करके हिंदुस्तान में आई थी और मथुरा के रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल धर्मेंद्र से मिल गई और कहा कि मैं तुम्हारा दिल्ली चलकर वीजे का काम करवा दूंगा और महिला को मिसगाइड करके एक होटल में ले गया। वहीं कुछ समय बाद धर्मेंद्र का दोस्त आकाश तोमर भी आ गया और फिर महिला को बहका कर उससे गलत काम करते रहे। महिला का कहना है कि उसके साथ गलत काम करके एक वीडियो क्लिपिंग भी बना ली और उसे यह कहकर धमकाने लगे कि अगर तुम नहीं आई तो इस वीडियो की क्लिपिंग को तुम्हारे पति और ग्राम प्रधान को देकर आपको बदनाम कर देंगे। सीओ सिटी राकेश कुमार का कहना है कि मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, कोतवाली में विदेशी महिला से बलात्कार का मामला सामने आया है। ये जानकारी दी गई थी महिला द्वारा जनता दर्शन के अंदर आके कि इस तरीके से एक पूर्व जो इसके परिचित थे सिपाही, दो सिपाहियों के बारे में बताया जो एक जीआरपी के अंदर तैनात है और एक जो है इंटेलिजेंस जो ब्रांच होती है स्पेशल ब्रांच उसके अंदर तैनात है, जिसके माध्यम से संपर्क में आई थी। इनकी तहरीर में ये लिखा गया है कि उनमें से एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आए थे और क्योंकि यहाँ वर्तमान में यही निवास कर रही थी और एक होटल क्षेत्र में ले गए और जहाँ पर इनकी वीडियो फिल्म बनाने की बात आई है। और जो शुरुआती विवेचना हुई उससे पुष्टि हुई है कि जो सिपाही है यहाँ पर आए थे और उस होटल में गए थे और इनकी एंट्रेंस भी वहाँ पर प्रमाणित है। अभियोग इसके अंदर पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई बताया जा रहा है कि वीजा की अवधि बढ़ा के कुछ इस तरीके से जी इस तरीके से इनका संपर्क हुआ था क्योंकि ये फॉरेन नेशनल यहाँ पर है लेकिन पिछले 20 साल से यहीं पर रह रही हैं, भारतवर्ष में ही रह रही थी, यहीं पर इन्होंने शादी भी कर ली थी और इसी जो वीज़ा और इमिग्रेशन के इशूज़ से लेकर ही ये इन सिपाही से संपर्क में आई। एक किर्गिस्तान की रहने वाली महिला जो लगभग 20 साल पहले हिंदुस्तान में आकर शादी करके रह रही थी, उनसे रेलवे स्टेशन पे एक कांस्टेबल जिनका नाम धर्मेंद्र है वो मिल गए थे कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में चल के आपका वीजा का काम करवा दूंगा। इस बहाने उनको डिसगाइज करके उनके साथ गलत काम किया, यहाँ पर एक होटल में ले गए। होटल में ले जाने के बाद उनके मित्र आकाश तोमर भी उस महिला को बाद में बहका के महिला का जैसा कहना है कि उसके साथ गलत काम करते रहे। उसके बाद उसकी असली वीडियो क्लिप बना ली और कहते थे कि अगर आप नहीं आओगी तो मैं वीडियो क्लिप को आपके पति और आपके ग्राम प्रधान को दे के आपको बदनाम कर दूँगा। उनकी तहरीर पर मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत किया गया, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, विवेचना जारी है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।